हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। तो आज हम लोग अपना क्लास 9 का चैप्टर 4 शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पॉलिनोमियल, क्योंकि टर्म 2 का सेकेंड चैप्टर था, वो कंप्लीट कर लिया था। तो हमने सारे टॉपिक्स प्लस उसकी जो एनसीईआरटी थी वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 4, दैट इज द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का थोड़ा आइडिया नहीं है ना, तो आप पहले वो वाला लेक्चर देख लो, ताकि थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज होगा उस चैप्टर का। ठीक है, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशंस, जैसे कि सपोज मैंने लिखा 3x+5। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज माई लीनियर पॉलिनोमियल। वाई दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, दिस इज माई वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो पावर है दैट इज 1। तो जब भी मेरा मैक्सिमम पावर जो है, हर वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 हो, अगर देन वी विल से दैट इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बात आती है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो इक्वेशंस मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे मेरे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा, वहां पे इक्वालिटी का साइन, इक्वेशन से मुझे पता चलता है कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी को लिख दू 3x+5 = 0, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x+8 = 0, और वी कैन से 2x+1 = 0, एनीथिंग। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये होती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हियर वी हैव 1 वेरिएबल x, एक सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, और उसका जो मैक्सिमम पावर होगा दैट विल बी 1, और वी कैन से दैट द डिग्री विल बी 1, क्योंकि हमने डिग्री के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि जैसे कोई भी तुम्हारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तुम कुछ भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखो, एनीथिंग। ठीक है, सपोज करो तुमने लिखा 6x+5 = 0, तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने जितने भी एक्सप्रेशंस लिखे हैं यहाँ पे देखो, एक्स हमेशा आएगा, इनटू में कोई कांस्टेंट होगा प्लस एक कांस्टेंट होगा = 0। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने इस कांस्टेंट को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया, इस कांस्टेंट को मैंने बी से रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, AX+B = 0। मतलब अब मैं ए और बी की वैल्यूज को चेंज कर करके अपना कोई भी लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, जनरल फॉर्म AX+B = 0, वेयर ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए और बी, बी कैन बी 0 एज वेल। अगर मैं सिंपली लिखूँ 3x = 0, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, x = 0, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक, तो दीज ऑल आर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे ये 1 वेरिएबल क्यों, सबसे पहले तो आगे लीनियर, क्योंकि जो x का जो डिग्री है वो 1 है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग लीनियर। फिर इक्वेशन क्यों आया, क्योंकि हमने इक्वल्स टू डाल के यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, = 0 एंड इन 2 वेरिएबल्स। अब देखो, जो हमने ये देखा ये 1 वेरिएबल में था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हमने यूज किया, हर जगह एक वेरिएबल था, यहाँ भी एक वेरिएबल था, यहाँ भी, हर जगह एक ही वेरिएबल था। अब जो हमको पढ़ना है वो 2 वेरिएबल्स में पढ़ना है, जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है वो किस टाइप का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सपोज करो तुम्हें नोटबुक का कॉस्ट नहीं पता, ना तुमको पेन का कॉस्ट पता। ठीक है, तो मैंने कुछ एज्यूम कर लिया, तो क्योंकि हमें ना तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक पता, ना हमें कॉस्ट ऑफ पेन पता, तो आई एम एज्यूमिंग दैट लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यू कैन एज्यूम इट एनीथिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉस्ट मान लिया ₹1। ओके, सिमिलरली मुझे पेन का कॉस्ट भी नहीं पता, तो मैंने एज्यूम कर लिया दिस इज ₹y। ओके, सो अब उसने क्या बोला है, जो कॉस्ट है नोटबुक का। ठीक है, तो अच्छा देखो इसने क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक का कॉस्ट है, नोटबुक का कॉस्ट है दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, जो भी क्वेश्चन ने बोला मैंने उसी को लिख दिया। ठीक है, अब इसको तुम अगर टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x-2y = 0। ठीक है, अब देखो जो तुमने पीछे एक्सप्रेशन देखा था और जो तुमने अभी देखा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है,
जो तुमने लास्ट एक्सप्रेशन देखा वो भी एक इक्वेशन था और ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है, तो इक्वेशन तो दोनों है। फिर बात आती है लीनियर की, तो लीनियर है वो भी लीनियर था ये भी लीनियर है, क्यों? क्योंकि हर वेरिएबल का डिग्री है वन, ठीक है, तो लीनियर भी हो गया इक्वेशन भी हो गया। अब डिफरेंस आता है वन वेरिएबल का और टू वेरिएबल का, ठीक है, तो अब देखो जो पीछे वेरिएबल्स थे वो सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया था मैंने एक्स का, ठीक है, अब जो वेरिएबल है वो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक्स है वेरिएबल और वाई है, सो दैट इज वाई वी कॉल दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये मेरे पास अब हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हमें क्या करना था, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, तो दिस इज माई लीनियर इक्वेशन। तो अब क्या इसको देख के कैन यू कंक्लूड समथिंग अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो येस वी कैन कंक्लूड दैट। सो अगर सपोज करो मैंने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखा 2x + 3y + 5 = 0, तो क्या ये एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा? सो देखो सबसे पहले हमें जो देखना है, हमें सब चीजें देखनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो पहले क्या ये लीनियर है? येस इट इज लीनियर बिकॉज बोथ द वेरिएबल्स हैव डिग्री वन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इट इक्वेशन? येस इट इज इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे इक्वल्स टू में, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी हो गया। इन टू वेरिएबल्स तो दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल है, एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, तो दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो कैन वी राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? सो नाउ वी कैन राइट दैट जनरल फॉर्म विल बी इक्वल्स टू, जनरल फॉर्म विल बी इक्वल्स टू नाउ ax + by + c = 0, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये बात हुई जनरल इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो इस टाइप से जो है हमारी इक्वेशन होगी जनरल इक्वेशन दो वेरिएबल्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल्स टू -5 है, तो इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो एक वन वेरिएबल का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ वाई ही वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक्स ही वेरिएबल, तो हाउ आई कैन री राइट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ अ टू वेरिएबल इक्वेशन। देखो मेरे पास जो जनरल फॉर्म थी वो कैसी थी, ax + by + c = 0, है ना, ये इक्वेशन थी। अब मेरा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, आई शुड मेक द इक्वेशन इन सच फॉर्म, ठीक है, मुझे ax + by + c = 0 के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं क्या करूंगी, देखो मेरे पास है x = -5, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x + 5 = 0। अब देखो क्या मैं इसको, एक और तरीका है लिखने का, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, देखो x + y का एक्सप्रेशन नहीं है ना, तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो b है वो 0 रहा होगा, तभी तो एक्सप्रेशन नहीं है, तो कैन आई राइट दिस एज 0 × y + 5 = 0, तो अब ये क्या एक्सप्रेशन इसके जैसा हो गया, बिल्कुल हो गया, है ना, अब ये कैसा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में आई कैन इजिली रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। अब देखो सेकेंड बोल रहा है y = 2, सो आई कैन री राइट दिस एज y - 2 = 0, दैट मीन्स अब देखो यहाँ पे x का जो कोफिशियंट है वो 0 रहा होगा, तभी तो मेरे पास x का एक्सप्रेशन नहीं है, तो दिस विल बी 0 × x + y - 2 = 0, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड है वो क्या है, 2x = 3, सो अब आपको क्या करना है इस इक्वेशन का, जो ये 2x = 3 है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कैसे मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम देखते तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है ये। अब हमें ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, तो आपको देखना है कि कैसे हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बेसिक नॉलेज हो गई कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका फॉर्म कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ax + by + c = 0, ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ बार बार ताकि आप लोग को याद हो जाए एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by, ओके इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी हैव टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, आफ्टर दैट आफ्टर कन्वर्टिंग दिस वी हैव टू इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ab c एज वेल इन ईच ऑफ द केसेस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2x + 3y
इज इक्वल्स टू 9.35 बार। ये देखो बच्चों, बार का मतलब क्या होता है, ये जो 5 के ऊपर बार लगा है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो 5 वाला पार्ट है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस बार। ठीक है, तो दिस विल बी नाउ 2x + 3y। आई कैन राइट दिस एज -3.5 बार, है ना। तो ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी और सी चाहिए। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस नाउ ए एज 2 एंड बी विल बी 3। अब मुझे इससे कंपेयर कर लेना कि जो एक्स के साथ में है ना, एक्स के साथ में जो है वो 2 है, वाई के साथ में है वो 3 है, और जो बाद में बच गया वो मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म सी। ठीक है, सॉरी, तो दिस विल बी नाउ सी विल बी इक्वल्स टू -9.35 बार। सो वी हैव टू टेक केयर द साइन ऑफ दी टर्म्स एज वेल। ठीक है ना, तो ए और बी और सी सबका साइन मुझे ध्यान से देखना है कि साइन क्या होगा। चलो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है मुझे, देखो यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 5x - y - 10, और जो डिनोमिनेटर का 5 है ना, अच्छा ये तो 50 हो जाएगा ना जब एलसीएम लेंगे, और जो डिनोमिनेटर का 5 है वो इधर मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 0। तो आप इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा 5, बी का वैल्यू मिल जाएगा -1, एंड जो सी का वैल्यू हो जाएगा -50। ठीक है, तो वाई के साथ जो भी है इंक्लूडिंग द माइनस साइन, वी हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे ये मेरी एबीसी की वैल्यू है। नाउ थर्ड पार्ट इज, ओके, तो दिस इज -2x। तो बहुत सिंपल है, सिंपली हमें क्या करना है, -6 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, देन ए विल बी -2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज एक्स इज इक्वल्स टू 3y। सो आई कैन री राइट दिस एज x - 3y इज इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म सी होता है ना, ये वाला टर्म मिसिंग है यहाँ पे, तो ए विल बी 1, बी विल बी -3, और जो ये मिसिंग टर्म है ये है ही नहीं क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन आर सेम करना है मुझे, इसके अंदर क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को, पहले इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2x = -5 वाई, तो दिस कैन बी रिटन एज 2x + 5y = 0। तो अब इसको कंपेयर करेंगे वापस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए विल बी 2, बी विल बी इक्वल्स टू 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सिक्स पार्ट इज, तो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल हमें सिंपली कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर जस्ट कंपेयर करना है, तो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ए की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और सी की वैल्यू, सॉरी वाई नहीं है, बी है, और सी की वैल्यू विल बी 2। ओके, नाउ सेवेंथ पार्ट इज y - 2 = 0। तो x का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो a विल बी 0 एंड y विल b विल बी 1 एंड कॉन्स्टेंट विल बी -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट इज 2x = 5। तो 2x - 5 = 0। तो यहाँ पे y का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, जो हमारा a का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो अब उसके बाद क्या आता है, अभी हमने देखा कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती है वो किस टाइप की होती है। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आती है, इसके सॉल्यूशन की बात आती है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, सपोज तुम्हारे पास दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सपोज x - 3 = 0 है। जैसे आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स में अगर देखा हो, पॉलिनोमियल्स अगर पढ़ लिया हो किसी ने, तो पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये वाला सपोज, ठीक है, x - 3, तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या बोल सकते इस पॉलिनोमियल में हम 0 निकालते हैं। इस पॉलिनोमियल का जो 0 है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द रूट ऑफ द इक्वेशन x - 3 = 0। ठीक है, तो जब इस पॉलिनोमियल का हम 0 निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें x का वो वैल्यू चाहिए जहां पर ये पॉलिनोमियल हो जाए 0।
ठीक है। तो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स को मैं ऐसा क्या डालूं कि मुझे पी एक्स जो है वो 0 मिल जाए। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू को 3 डाल दूं, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मेरे पास इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 3 है, तो आई कैन से दैट एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का जो रूट होगा दैट विल ऑल्सो बी 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट, तो मतलब ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जब मैं उस एक्स को डालू ना उसके अंदर, तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मेरे क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। उसी को हम बोल देते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे इसको इसका रूट है या इसका सोल्यूशन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आपने देखा कि अब जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो सिर्फ मेरा एक सोल्यूशन आया। सपोज तुमने कोई और इक्वेशन ली, सपोज तुम्हारा पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी इक्वेशंस ओनली। ठीक है, तो सपोज करो तुम्हारे पास अब जो इक्वेशन है वो 2x+5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब तुम एक्स का वैल्यू को क्या डालोगे कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल जाए। तो तुम्हें एक्स की वैल्यू को -5/2 डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 × -5/2। जब तुमने एक्स को -5/2 डाला +5, तो ये 2 से 2 गया, -5 + 5, तो ये मेरे को 0 मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू -5/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो मेरे को इक्वेशन में डालने पे वो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो, अब बात आती है कि हाँ सोल्यूशन यही बोला है कि द सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड अस विद अ सर्टेन वैल्यूज फॉर वेरिएबल व्हिच वन पुट इन द इक्वेशन। जब हमने उसको इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करेगा। अब देखो जैसे x+y = 6 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के मुझे सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन की जब मुझे सोल्यूशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है सोल्यूशन निकालने के लिए, मैं एक्स की ना अलग अलग वैल्यूज को, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है ना, तो मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू तो सब्सटीट्यूट मुझे ना इसमें एज्यूम करनी पड़ती है, एक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू हेयर इज आई विल एज्यूम अ सिंगल वेरिएबल, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सपोज मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्स से। ठीक है, मैंने एक्स एक काम करते हैं उससे पहले, एक सेकेंड, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 - x। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ x को 0 डालने से। ठीक है, जब मैंने x को 0 डाला तो y कितना आ जाएगा, 6 - 0 6 आ जाएगा। फिर मैंने x की वैल्यू को 1 डाला तो y कितना आ जाएगा, 6 - 1 दैट इज 5। फिर मैंने x की वैल्यू को 2 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - 2 दैट इज 4। फिर मैंने x की वैल्यू को 3 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, 6 - 3 इज 3। तो आप लोग देख सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू 0 डालने पे वाई 6 आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 डालने पे वाई। अब देखो जब आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखोगे, x+y = 6 है मेरी इक्वेशन, है ना, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो हमने क्या देखा था, इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा जब मैंने एक्स की वैल्यू को 0 लिया और वाई की वैल्यू को 6 लिया, 0 + 6 6 मिल गया जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है, वापस से लेफ्ट हैंड साइड है, बट मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज को चेंज कर दिया, ये 1 है और ये 5 है, तो ये 6 है, दिस इज अगेन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को 2 ले लिया, वाई की वैल्यू को 4 ले लिया, तो यहाँ मुझे वापस क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा वहां पे जो सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये बेसिकली सोल्यूशन ही तो है, एक्स तो 0, वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3, ऑल दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ माय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब आई कैन से दैट जब मेरे पास वन वेरिएबल इक्वेशन होती है, वन वेरिएबल इक्वेशन होती है, तो मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। ठीक है, वही मेरे पास जो टू वेरिएबल इक्वेशन होती है इस केस के अंदर, इस केस में मेरे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप लोग चेक कर सकते हो कि जब भी आप उसका सोल्यूशन निकालोगे तो यू विल गेट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन फॉर दैट इक्वेशन।
ठीक है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन है। अब जैसे मैंने एक्स को मैंने सॉरी वाई को मैंने सिक्स के एक्स की फॉर्म में लिखा, सिमिलरली यू कैन राइट एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस वाई एज वेल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाई की वैल्यूज को चेंज कर करके यू कैन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो और एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को आ जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अगर आप लोग ये भी नहीं करते ना, सिंपल देख के ही पता चल जाता है, अगर तुम एक्स को देखो जीरो डालोगे तो वाई सिक्स होगा, या वाई को जीरो डालोगे तो एक्स सिक्स होगा, एक्स को वन डालोगे तो वाई फाइव होगा, एक्स को टू डालोगे मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, ये टू होगा तो ये फोर रहा होगा तभी तो इक्वल्स टू सिक्स आएगा, ये थ्री होगा तो ये भी थ्री होगा तभी तो इक्वल्स टू सिक्स आएगा, फर्स्ट वाला वन होगा तो अगले वाला सिक्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला वन और सेकेंड वाला वन होगा तो फर्स्ट वाला सिक्स हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो इस टाइप से वी कैन हैव मल्टीपल सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम्हें सूटेबल लगे कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकालना है तो यू कैन फाइंड लाइक दिस। और अगर आपको देख के पता चल रहा है कि हाँ एक्स की वैल्यू जीरो डालने पे सिक्स है, तो आप ऐसे भी सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन से सोल्यूशन आएंगे वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप एक बॉक्स बना सकते हो जहाँ पे, अच्छा वो वाली चीज ना हम लोग ग्राफिकल में देख लेंगे जब हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके, जो भी आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी कौन कौन से टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ से अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, तो यहाँ से आप लोग का इनफ पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है जहाँ पे आपको मुश्किल से दो तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं एंड यू आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, एंड वाई, द इक्वेशन इज वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव, ये हमको इक्वेशन दी हुई है। सो दिस इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशंस और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आएंगे, ठीक है, वी विल स्टार्ट विद एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो वहां पे भी हमें यहाँ में क्या करना है, एक्स की वैल्यू को जीरो डालेंगे, तो जब एक्स की वैल्यू को जीरो डाला तो हमें वाई कितना मिलेगा, जीरो प्लस वाई दिस विल बी फाइव। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू को हम लोग वन डाल देते हैं, तो वाई एक्स को वन डालने पे इट विल बी थ्री प्लस फाइव दैट विल बी इक्वल्स टू एट। एक्स इज इक्वल्स टू टू डालने पे वाई विल बी थ्री टू द सिक्स प्लस फाइव दैट विल बी इलेवन। देन एक्स इज इक्वल्स टू थ्री डालने पे वाई विल बी थ्री थ्री द नाइन प्लस फाइव, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ये देखो क्या एक्स डालने पे जो मेरा, अगर मैं एक्स को ये डालूं और वाई को ये डालूं तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये सारे सॉल्यूशंस क्या है, दीज ऑल आर सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो अब मैंने ये सारे सॉल्यूशंस लिख दिए हैं, तो आपको मुझे बताना है कि इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा। ठीक है, सो वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर, सो यू हैव टू राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन वॉट इज द सोल्यूशन, विच पार्ट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, अच्छा एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में ना हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहले क्वेश्चन में हमको कैसे सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालना हमने सीख लिया है पहले, तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आप सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ओके, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, कि उससे बहुत ही आसानी से तुम्हारे सोल्यूशन निकल जाए, जस्ट राइट वन वेरिएबल, जो भी आप इजीली एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उसको कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं वाई को इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ एक्स की फॉर्म में, सो आई कैन इजीली राइट वाई एज 7 माइनस 2x। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। अब मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, अब उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, जिसकी फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है, जिस वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को तुम ले लो, वहां से तुम्हारे सोल्यूशन आ जाएंगे। तो एक्स को जब हमने जीरो लिखा तो वाई विल बी 7 माइनस 0 दैट विल बी 7। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू को हमने वन लिया सो वैल्यू ऑफ वाई विल बी 7 माइनस 2 तो दिस विल बी 7 माइनस 2 विल बी 5। जब एक्स की वैल्यू को 2 लिया तो वाई विल बी 7 माइनस 2 2 4 दैट इज इक्वल्स टू 3। जब एक्स की वैल्यू को 3 लिया तो वाई विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 3 2 6 दैट इज 1।
तो हमें कितने सॉल्यूशंस चाहिए थे, फोर सॉल्यूशंस निकालने थे, तो दीज आर दी फोर सॉल्यूशंस ऑफ दी गिवन इक्वेशन। तो ये मेरे पास चार सॉल्यूशन है जो कि इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इज पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो क्या करना है मुझे, वही स्टेप, पाई को लिख दो एक्स की फॉर्म में, तो वाई विल बी, तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि यू हैव टू राइट पाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, यू कैन ऑल्सो राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जो भी तुम्हारे लिए सुटेबल हो, जो कि तुम्हें सही लगे, कंफर्टेबल लगे, यू कैन कन्वर्ट इन दैट फॉर्म। देखो जब मैं यहाँ से एक्स पे निकालती ना, तो मुझे पाई डिवाइड मिल जाता, दैट विल बी बिट अनकंफर्टेबल, तो इसलिए मैंने क्या किया, वाई को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, एक्स को मुझे 0 डालना है। और यहाँ पे एक और चीज, तुम्हें जरूरी नहीं है कि ये 0, 1, 2, 3 इसी टर्म इसी पैटर्न में डालने हैं, यू कैन टेक द नेगेटिव नंबर्स एज वेल। सपोज मैं यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर लेके दिखाती हूँ, तो मैं जैसे एक्स 0 डाला तो वाई मुझे मिला 9, तो यू कैन चूज -1 एज वेल, सो दिस इज 9, वाई विल बी 9 माइनस पाई -1, तो दिस विल बी पाई +9। ठीक है, फिर तुम एक्स को तुम कुछ भी ले सकते हो, वो तो एक थोड़ा सा एक फिक्स पैटर्न हो जाता है कि तुम 0, 1, 2, 3 ले लो, लेकिन तुम नेगेटिव्स भी ले सकते हो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, यू कैन चूज एनी वन। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को सपोज मैं 1 चूज कर रही हूँ, तो दिस विल बी 9 माइनस पाई, की वैल्यू को 2 चूज करूंगी, तो वाई विल बी 9 माइनस 2 पाई, सो दीज 4 विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ द अबव इक्वेशन। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज, अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स जो है वाई की फॉर्म में कन्वर्टेड है, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट दिस। ठीक है, ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, वाई की वैल्यूज को चूज कर करके डाल देंगे। तो मैं क्या करूंगी, वाई की वैल्यू को 0 लिया, तो एक्स मुझे 0 मिल जाएगा, वाई 1 है तो एक्स विल बी 4, वाई है अगर -1 है तो एक्स विल बी, दिस विल बी -4, वाई अगर 2 है तो एक्स विल बी 8। तो इस टाइप से ऑल दीज आर दी सोल्यूशंस। ठीक है, तो इस टाइप से एक्स 0, वाई 0, एक्स 4, y माइनस 1, ऑल दीज 4 आर दी सोल्यूशंस ऑफ दी अबव इक्वेशंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं इसी एक्सरसाइज के, एक दो क्वेश्चंस वो देखेंगे, फिर सोल्यूशन वाला तुम्हारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, देन आफ्टर वी विल डिस्कस द ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कैसे हम लोग ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं, और उसके फिर एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।